हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूक्लियर्स थ्योरम। यूक्लियर थ्योरम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है, इफ़ एफ एक्स वाई इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज़ डिग्री एन। डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम पावर को हम डिग्री कहते हैं, जो एन है। देन अकॉर्डिंग टू यूक्लियर थ्योरम आपको प्रूव करना है x डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस में y डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू में एन एफ। एफ हमारा है फंक्शन। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इफ़ u इज इक्वल टू x की पावर n साइन x अपॉन y, वेरीफाई यूक्लियर थ्योरम। सबसे पहले हम गिवन लेंगे, u जो है वो हमारा फंक्शन है जिसमें x और y है। u इज इक्वल टू x की पावर n साइन y अपॉन x, इसको मानेंगे हम इक्वेशन वन, विच इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y इन डिग्री n। देन अकॉर्डिंग टू यूक्लियर थ्योरम वो हमारी होती है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन यू। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एक बार क्योंकि यहाँ पर हमारा है डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई। अब हमारा जो फंक्शन है वो है u, इसको हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार x के अकॉर्डिंग और एक बार y के अकॉर्डिंग। तो हम लेते हैं पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि पार्शियली कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब हमें यहाँ पे चाहिए डेल u डेल x, तो हमने पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x करा, तो हमारा आया डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू में, यहाँ पर हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल फर्स्ट एंड सेकंड। तो एक्स एन हमारा एज इट इज, कॉस साइन का डेरिवेशन होता है हमारा कॉस वाई अपॉन एक्स डॉट, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है एक्स के अलावा वाई बाय एक्स है, तो इसमें अगेन डेरिवेशन होगा। तो वाई हमारा एज इट इज, क्योंकि वाई हमारे यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, और वन अपॉन एक्स का होगा माइनस वन अपॉन एक्स की पावर टू ब्रैकेट क्लोज फिर प्लस। अब की बार हमारा जो साइन है फंक्शन टू वो एज इट इज रहेगा, और एक्स की पावर एन का डेरिवेशन होता है, पावर नीचे उतरेगी यानी एन एक्स एन माइनस वन, एक पावर कम हो जाती है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो ये माइनस सबसे आगे आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर एन वाई मल्टीप्लाई कॉस वाई अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हमारा जो ये इक्वेशन बनी आपकी, थोड़ा और वेरीफाई कर लेते हैं। अगर हम x को इसमें से करेंगे तो इसको माइनस हो जाएगा, ये हमारा बनेगा माइनस x की पावर n माइनस टू डॉट y डॉट cos y अपॉन x प्लस में n x की पावर n माइनस वन साइन y अपॉन x। अब क्योंकि तो स्टूडेंट्स हमें डेल u डेल x के साथ x चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे x से, तो हमने लिखा मल्टीप्लाई बाय x बोथ साइड्स। तो हमारा आया x डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू में, जब इसमें यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक x और आएगा, तो हमारी पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 और माइनस टू मिलके हमारी x माइनस वन हो जाएगी, तो हमारा बनेगा माइनस एक्स एन माइनस वन डॉट वाई डॉट कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस में एक्स एक्स अपॉन एन साइन वाई अपॉन एक्स, इसे मानेंगे हम इक्वेशन टू। सेम, क्योंकि अब हमें y डेल यू अपॉन डेल वाई चाहिए, तो हम इक्वेशन वन को पार्शियली डेरिवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमने लिया पार्शियली डेरिवेटिंग इक्वेशन वन
विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमने यहाँ पे लिया डेल यू अपॉन डेल वाई, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एक्स है वो कांस्टेंट है, तो एक्स को एज इट इज़ रखेंगे, और साइन का डेरिवेशन होता है कॉस वाई अपॉन एक्स, फिर क्योंकि फंक्शन हमारा कुछ और है तो इसलिए इसका अगेन डेरिवेशन होगा, क्योंकि एक्स हमारा कांस्टेंट है और वाई का होगा वन, तो हमारा डेरिवेशन हो जाएगा वन अपॉन एक्स। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, एक्स इसको डिवाइड करेंगे तो एक पावर हमारी हो जाएगी कम, तो हमारा जगह एक्स एन माइनस वन और कॉस वाई अपॉन एक्स। अब दोस्तों क्योंकि हमें जो चाहिए वो चाहिए वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वाई से, तो मल्टीप्लाई बाय वाई बोथ साइड्स, तो हमारा जगह वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू में वाई डॉट एक्स एन माइनस वन कॉस वाई एक्स, इक्वेशन हो गई थ्री। अब हमको क्या चाहिए इक्वेशन में, यूलियर जो थ्योरम है वो हमारी होती है आपकी एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस में वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री को ऐड करना पड़ेगा, तो एडिंग इक्वेशन टू एंड थ्री, एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस में वाई डेल यू डेल वाई इज इक्वल टू में हमारी जो वैल्यू थी वो थी माइनस एक्स एन माइनस वन डॉट वाई डॉट कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस एन एक्स एन साइन वाई अपॉन एक्स। अब हमारी डेल यू डेल वाई की वैल्यू थी प्लस में एक्स एन माइनस वन डॉट वाई डॉट कॉस वाई अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज। अब क्योंकि हमारा ये माइनस में है और ये प्लस में है, सेम है, इससे कैंसल आउट हो गया। अब हमारा बचता है ये वाली वैल्यू, तो हमारा बचता है एन एक्स एन साइन वाई अपॉन एक्स। अब दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं, हमारा ये क्या फंक्शन है, फंक्शन यानी कि हमारा यू, तो इसको लिख सकते हैं एन यू, और यही हमें प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ।